तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो काफ़ी दिनों बाद मैं आ चुका हूँ वापस। तो क्या है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और मतलब देख सकते हो आप, जैसे तैसे पीछे रखा हुआ है। यहाँ पे एक न्यू जो फोम बचा हुआ था थोड़ा, तो मैं सोचा कि फनजेट बना लेती, क्योंकि कितना गंदा क्रैश हो रहा हुआ था, आप लोगों ने भी देखा। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा पूरा टेबल वगैरह जैसे तैसे वैसे ही सब कुछ रखा हुआ है। तो पुराना वाला तो ये रहा और न्यू बना रहा था, तो मैं सोचा कि आप लोग के साथ एक मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को भी ऐसे बनाने में गड़बड़ी या फिर प्रॉब्लम ना आए, और कंट्रोल भी अच्छा से रहे अपना आर सी प्लेन। तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो कंट्रोल रहता है वो सर्वो मोटर पे रहता है। तो सर्वो मोटर का हम जब अच्छे से लगाएंगे, जो हमारा कंट्रोल अच्छा से होगा, तभी हमारा प्लेन अच्छा से फ्लाई होगा। तो क्या है कि मैं ये फनजेट बना रहा था, देख सकते हो आप, इसमें मैंने थोड़ा चेंजेस किए हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, पुराना वाला और इसमें थोड़ा चेंजेस है। तो मैंने अभी पूरा इसको मतलब नहीं बनाया है, तो मैं आप देख सकते हो आप, मैंने सिर्फ इसमें लगा के छोड़ रखा है, ताकि मैं आप लोग को बताऊं कि मैं कैसे इसमें कंट्रोल हॉर्न सेट करता हूं। और उसका भी एंगल होता है एक, जिस एंगल पे हमें सेट करना चाहिए, जो सही रहता है। तो पता नहीं आप लोगों को पता हो गया फिर नहीं, तो मैं सोचा कि बना दूं, हो सकता है जो बिगिनर्स होंगे वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाए ये वीडियो। तो बने रहिए वीडियो में, और नया चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। पता नहीं बहुत लोग ऐसे देखते हैं मेरे वीडियो बट सब्सक्राइब तो नहीं करते। कोई मैं बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं। यहाँ पे मैं देख सकते हो आप, दीवार दिख रहा पूरा, यहाँ पे देख सकते हो मैं इसी में लगा के स्टे वीडियो बनाता हूँ। और ये घर के पीछे पूरा सामान ऐसे रहता है, बट चोरी नहीं कर सकता कोई, क्योंकि दूर दूर तक कोई प्लेन बनाने वाला है नहीं जो रख ले, क्योंकि ये जो भी चोरी करेगा यहाँ पर पूरा मुझे दूर दूर तक जानते हैं कि कौन प्लेन बनाता है, कौन उड़ाता है। तो ये चोरी की संभावना तो है नहीं, तो आराम से रहने देता हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगता है मेरा वीडियो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ वीडियो, बट वही टाइम नहीं मिल पाता, और टाइम मिलता है तो बहुत सारे यहाँ पे लोग रहते हैं, तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब बात करते रहते हैं, मतलब समझ रहे हो आप लोग। तो अभी कोई नहीं है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इसमें मैं लगा के दिखाता हूँ कि हम कैसे इसे अच्छे से लगा सकते हैं, और कितने एंगल पर लगता है हमारा सर्वो कंट्रोल हॉर्न, वो भी किससे आप लोगों को पता है? आइसक्रीम स्टिक से, जो आइसक्रीम स्टिक हम लोग खा के फेंक देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये आइसक्रीम स्टिक का मैं यूज़ करने वाला हूँ। और जो सर्वो हॉर्स हो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब महंगा पड़ेगा, इससे तो महंगा ही पड़ने वाला है, क्योंकि मैं एक सर्वो स्टिक मतलब एक ही स्टिक यूज़ करके मैं दोनों मतलब सर्वो कंट्रोल हॉर्स बना सकता हूँ। तो देखो कैसे कैसे बनाता हूँ, आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना। तो चलिए फटाफट से करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हमें एक आइसक्रीम स्टिक ले लेनी है, और वहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने 4 सेंटीमीटर पे मार्क किया हूँ। तो आप अपने प्लेन के अकॉर्डिंग आप मार्क कर लेना, और मैं 4 सेंटीमीटर पे यहाँ पे कट लगा के कट कर ले रहा हूँ। और ऐसे ही आपको ले लिए आराम से, और काफ़ी मतलब सही लगता है ये भी। आप सोचो कि जो न्यू खरीदेगा उससे अच्छा तो यही रहेगा। तो इसे हम अब इसे ऐसे कट करके थोड़ा शार्प कर लेते हैं, ताकि वो फोम में अच्छा से फिट हो पाए। इसे फैब्रिक से ऐसे ऊपर से कोटिंग कर लेते हैं लेयर को, ताकि ये हमारा जो ये वुड है वो काफ़ी अच्छे से हार्ड हो जाए, टूटे ना। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही पूरा कोटेड कर दिया हूँ, पूरा अच्छा से लगाना है, ताकि ये कहीं से ब्रेक ना हो पाए। तो हमें जब चीज़ सूख जाए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मार्क कर दिया है, 1 mm होल कर देना है, ताकि हमारा जो रॉड है 1 mm वो अच्छा से लग पाए इसमें। देखो तो मैंने काफ़ी इजीली यहाँ पे होल कर दिया हूँ, और यहाँ पे होल हो जाने के बाद अब हम करते हैं इसमें मेज़रमेंट। तो यहाँ पे आप अपने प्लेन के अकॉर्डिंग जहाँ पे लगाना चाहते हो सर, हो वहाँ पे ऐसे ही मेज़रमेंट करके आप लगा लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ देख सकते हो आप। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सर्वो का वायर जो है यहाँ पर आराम से यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप मैं कैसे लगाता हूँ कट करके। और गाइस, सबसे मेन काम यहीं पे है, हमें 45 डिग्री पे इसको लगाना है। आप देख सकते हो जहाँ पे हमारा ब्रेकआउट है इसका, यहाँ से मूवमेंट होता है इसका एलरॉन, या फिर आप जो भी कह लो इसको एलरॉन एलेवन जो भी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 45 डिग्री पे मार्क करके, और इसे पूरा मार्क कर लिया हूँ पहले ही, ताकि मैं जब भी लगाऊँ तो मैं मुझे उस टाइम मेज़रमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने सर्वो मोटर्स यहाँ पे लगा के हाइट चेक कर लेके, कितना हाइट पर रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग में, इसके जो हॉर्न अपना है इसके अकॉर्डिंग में हम अपना जो सर्वो हॉर्न है उसे लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो मैं ग्लू आराम से लगा रहा हूँ, और इसे बस लगा देनी है आराम से, मैंने मार्क कर रखा है, आराम से लगा रहा हूँ। देखो 45 डिग्री पे एकदम, और जहाँ पर से हमारा कटआउट है यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ से ज्वाइंट हमने किया है,
तो वहाँ पे देख सकते हो उसका होल और उसका जॉइंट वहीं पे आना चाहिए और फिर वहाँ से 45 डिग्री पे होना चाहिए। तो मेरा हो चुका है, अब नीचे से मैं कट कर लेता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये लग चुका है, और पता है सब बहुत इसमें ही गड़बड़ करते हैं लगाने में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप मैंने क्या लिया है इसमें 1 mm रॉड के लिए। आप ऑनलाइन बाय करोगे तो सोच सकते हो कितना महंगा देता है। और मैंने यहाँ पे किससे बना रहा हूँ आप लोग तो कमेंट करके बताना आप लोग क्या बोलते हैं उसको। मैं हमारे यहाँ तो इसको छुड़छुड़ी बोलते हैं, आप लोग क्या फुलझड़ी या छुड़छुड़ी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने अच्छा से इसको रगड़ के घस के हटा देता हूँ, इस पर एकदम क्लीन कर देता हूँ। देख सकते हो काफ़ी वो ये भी 1 mm होता है और काफ़ी मतलब मुझे बहुत ही अच्छा रहता है, और ये मैंने खुद से दिमाग लगाया था। अब इसे बैंड करते हैं एकदम, जैसे हमारा सर्वो मोटर आराम से लग जाए। और यहाँ पे देख सकते हो मैं जितना पे मुझे लगानी है वहाँ पे मैंने मेज़रमेंट कर लिया हूँ, वहाँ पे टिक लगा लिया मार्क, और उसके बाद वहाँ से मैं बैंड करूँगा इसको। और यहाँ पे देख सकते हो मैं बैंड करके आराम से वहाँ से कटआउट कर लूँगा, काफ़ी ईजिली रहता है ऐसे। यहाँ पे बैंड हो चुका है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने कटआउट कर लूँगा अब, क्योंकि अब एक्स्ट्रा पट कोई ज़रूरी है नहीं, आराम से अब लग जाएगी। और फिर यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2 कर लिया है, और 2 लगा के बाद जब हम लगा लेंगे उसके बाद मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको अपने सर्वो टेस्टर से। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी एकदम 45 डिग्री पर आराम से मूवमेंट कर रही है, और हमारा काफ़ी अपना प्लेन को स्टेबल रखने के लिए इतना, और यही सबसे मेन होता है हमारा पूरा प्लेन को कंट्रोल करने के लिए। देख सकते हो काफ़ी मतलब बेटर देता है, परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है आपको देखना। काफ़ी लोग सीधा लगा देते हैं या फिर जो रेडीमेड मिलते हैं कंट्रोल हैंड उसका यूज़ करते हैं। तो क्या है, जिसके पास पैसा है वो तो लगा लेगा, लेकिन जिसको पास पैसा बहुत कम है, ना के बराबर है, बहुत ही कम, इसमें भी पैसा बचा सकते हैं आप सिर्फ एक आइसक्रीम स्टिक की मदद से। देख सकते हैं काफ़ी मतलब सही दे रहा है मुझे। आप लोग कैसा लग रहा है ये दिमाग बताना, आप कैसा लगा ये आइडिया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत ही मस्त लगा। ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।